हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जैसे कि प्रोजेक्ट का सोर्स कोड उसके बाद जो है हम जो प्रोजेक्ट का डेमो एज वेल एज लाइक हमने कुछ बाकी की चीजें जैसे कि रेस्ट एपीआई टेस्टिंग एंड ऑल ऑल द डिफरेंट थिंग्स हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज जैसे कि किसी पर्सनल लर्निंग के लिए या प्रोफेशनल लर्निंग के लिए या अपने कॉलेज या स्कूल के असाइनमेंट या फिर मेजर प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए अगर आप इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट अभी मेरा नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आप मेरे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद द सोर्स कोड एंड द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं शुरुआत में हम सबसे पहले डेमो के बारे में बात करेंगे सो so, जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो है सो, सोर्स कोड अप एंड रनिंग है मेरा सर्वर जो सर्वर जो अप एंड रनिंग है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको स्टार्टिंग से डेमो करके दिखाता हूँ इसमें कुछ भी नहीं करना आपको सिंपल है आपको कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ब्राउज करके मॉडल uh, को देनी है और बैक एंड में जो मॉडल होस्टेड है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक कलराइज वर्जन उस इमेज का जनरेट करके दे देगा सो so, लट से मैं यहाँ से चूज फाइल करता हूँ एक मैं कोई भी एक रैंडम इमेज ले लेता हूँ लट से हम यही वाली इमेज लेते हैं उसके बाद से सो लट से यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करेंगे यू विल सी देर इज अग आइकन सो सो दैट रिक्वेस्ट सर्वर पे फिर जनरेट हुए होते हुए देखेंगे और जैसे ही यहाँ से पूरा प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद यू विल सी देर आर टू वर्जन ऑफ दिस इमेज कलराइज फॉर्म में एक हमारा ई सी सी वी सिक्सटीन है और एक हमारा जो है सी ग्राफ सेवनटीन ये दोनों कॉन्सेप्ट uh, होते हैं आपको इमेज कलराइज करने के एरिया uh, में यूज किए जाते हैं एल्गोरिथम्स हैं कॉन्सेप्ट हैं आप इनके बारे में uh, पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो लेकिन आप अगर आप सिंपली uh, इसको ऐसे रखना चाहते हैं कि दीज आर टू डिफरेंट एल्गोरिथम्स विच आर यूज फॉर कलराइजिंग द इमेज देन इट्स ऑल्सो गुड सो यू कैन सी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज के लिए कितनी बहुत ही एच क्वालिटी सॉर्ट sort ऑफ of, बहुत ही अच्छी कलराइज इमेज जनरेट हुई है दोनों ही मॉडल्स ने दोनों ही मॉडल्स के थ्रू बहुत ही अच्छी इमेज जनरेट हुई है यहाँ से आप इसको किसी भी इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर मैं आपको uh, uh, और डेमो दिख करके दिखाऊं ये पर्टिकुलर जो है किसी भी डिफरेंट साइज या रेजोल्यूशन की इमेजेस के साथ भी वर्क करता है सो लेट्स से मैं अगर आपको एक कोई दूसरी इमेज के साथ करके दिखाता हूं एंड से इफ आई क्लिक ऑन सबमिट देन यू सी देर इज स्पिनिंग आइकन गोइंग ऑन एंड सो वंस द इमेजेस आर जनरेटेड इट विल शो अगेन यहाँ पे आप देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही हाई क्वालिटी की कलराइज इमेज जनरेट हुई है इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही सुंदर इमेज जनरेट हुई है बहुत ही प्यारी है एंड द सेम वे ऑल्सो इज वेरी वेरी गुड हाई क्वालिटी इमेज एंड अगर मैं आपको एक और मैं आपको कोई सैंपल करके दिखा देता हूँ जो कि डिफरेंट साइज की इमेज uh, है सो uh, लचे so ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल साइज की इमेज है बेसिकली इसका रेजोल्यूशन अलग है सो uh, so इसके लिए भी दिस मॉडल विल परफेक्टली वर्क एंड विल जनरेट द कलराइज इमेज सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कलराइज इमेज इसने बहुत अच्छी जनरेट की सो so ये हमारी uh, इस प्रोजेक्ट के डेमो के बारे में बात हुई हुँ. अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट के सोर्स कोड की तरफ प्रोजेक्ट के सोर्स कोड पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज एज ए डिस्कलेमर पहले ही क्लियर कर देता हूँ वाइल डिस्क्राइबिंग द उस प्रोजेक्ट सोर्स कोड प्रोजेक्ट सोर्स कोड को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा सो आई एम गोइंग टू मेक अ कोड वर्क थ्रू मैं एक कोड वर्क थ्रू करूंगा हर एक वर्ड को या हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी एंड इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज टू टेक यू थ्रू द सोर्स कोड ऑफ द प्रोजेक्ट टेक यू थ्रू द डेमो ऑफ द प्रोजेक्ट बट कुछ कॉन्सेप्ट या टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जिनको मैं यूज uh, करूंगा अगर आपको उन कॉन्सेप्ट या टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से उनके बारे में पढ़ सकते हैं देख सकते हैं सो so, जब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए देन यू कम बैक हेयर एंड यू कैन यू विल बी एबल टू रिलेट मोर विद द कोड ठीक है सो तो चलिए आज आज हम अब हम बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड के बारे में हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये हमारा रूट फोल्डर है बेसिकली दिस इज आवर रूट फोल्डर कलराइजेशन एंड हेयर दिस इज द कलराइजर ये हमारा एक पैकेज है इस पैकेज में uh, एक यूनिट फाइल है इसमें कुछ नहीं होता आपका बेसिकली मार्क्स दिस एज़ ए पैकेज। उसके बाद पे एक बेस कलर की फाइल uh, है मैं इसका कोड जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्लास फॉर ऑल न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल बेसिकली आपकी एनएन मॉड्यूल को इनहेरिट करती है और उसके uh, मतलब uh, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं उसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को सेट कर रहे हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होता है हमारा सब्रैक्ट द सेंटर वैल्यू एल सेंट फ्रॉम द इनपुट एंड देन डिवाइड बाय द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर सो बेसिकली हमारा एल वैल्यू आप ऐसे समझ लीजिए कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म के लिए होता है उसका एल uh, वैल्यू जो है एंड द सेम वे उसमें उसको फंक्शन को रिवर्स करने के लिए अनलाइज जो हमारा है और ऐसे ही हमारा फंक्शन अन नॉर्मलाइज ए बी चैनल सो आ, कलर चैनल को कलर इन्फॉर्मेशन को हम वो करते हैं फंक्शन टू तो नॉर्मलाइज द ए बी चैनल्स कलर इंफॉर्मेशन बाई स्केलिंग विद द ए बी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ठीक है ऐसे ही हमारा फिर ये इसका रिवर्स है ये हमारे कुछ बेस फंक्शन हैं जो कि हमारे मॉडल में हम यूज करेंगे हम उसके बाद आते हैं ई सी सी वी सिक्सटीन वाले मॉडल के ऊपर जिसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यहाँ पे डिफाइन एन ई सीसी वी सिक्सटीन जनरेटर क्लास टवर्क so एक्सटेंड कर रही है ठीक है यहाँ पे हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं एक्सटेंड उसके बेसिकली सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे हम फर्स्ट ब्लॉक डिफाइन करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क का फर्स्ट लेयर कॉन्वर्ट टू डी विद इनपुट चैनल एंड सिक्सटी फोर आउटपुट चैनल सो यू कैन सी ये वन इनपुट चैनल है और सिक्सटी फोर आउटपुट चैनल है हमने कर्नल साइज कुछ पैरामीटर्स होते हैं कर्नल साइज हमने यहाँ पे थ्री रखा है स्ट्राइड वन रखा है पैडिंग वन रखा है बाय स्ट्रू रखा है ये जो पैरामीटर्स है ये भी अगर आपको नहीं पता है आप यू कैन गो बैक आई एम एज्यूमिंग आपको कॉन्वल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और सी एन एन और इमेज प्रोसेसिंग uh, से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का आपको पता होगा सो so, अगर नहीं पता है अगेन आप उनको पहले जाके आ, अच्छे से देख लीजिए समझ लीजिए देन यू विल बी एबल टू रिलेट रिलेट मोर मोर विद द कोड सो पे उसके बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया हुआ उसके बाद विद स्ट्राइड एंड यहाँ पे बेसिकली हमारा हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो है हमने अपने कॉन्वल्यूशन लेयर का ऐसे डिफाइन कर रखा है ऐसे ही हमने सेकंड जो बेसिकली आपका जो सेकंड ब्लॉक है उसको डिफाइन किया है यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 64 इनपुट लिया है आउटपुट uh, so, कर रहा था ठीक है ऐसे ही क्योंकि हमारा फर्स्ट के बाद सेकेंड आएगा सो जो फर्स्ट की आउटपुट होगी वो सेकंड की इनपुट होगी ठीक है उसके बाद uh, हमारा ऐसे ही हमारा थर्ड ब्लॉक को इनपुट हमने किया है आफ्टर द सेकंड जो हमारे सेकंड ब्लॉक की आउटपुट है उसको हमने यहाँ पे वो किया है एंड यहाँ पे फिर वही हमारा एक्टिवेशन फंक्शन फिर फिर से कॉन्वल लेयर फिर से एक्टिवेशन फंक्शन एंड देन फिर हमारा नॉर्मलाइजेशन लेयर एज वेल ठीक है उसके बाद हमारा फिर फोर्थ ब्लॉक है फिफ्थ ब्लॉक है द सेम वे हम उनको डिफाइन करते जा रहे हैं एंड यू विल रिलेट कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क का साइज है या नंबर ऑफ न्यूरोन्स इन ईच लेयर दे आर गेटिंग इनक्रीज लेयर बाय लेयर ठीक है यहाँ पे हमारी जो फिफ्थ फिफ्थ ब्लॉक आ गया है उसके बाद फिफ्थ ब्लॉक के बाद जो है हम सिक्स्थ ब्लॉक को हमने डिफाइन किया है सिक्स्थ ब्लॉक के बाद जो है हमारा सेवन्थ ब्लॉक को डिफाइन किया है फिर एट्थ को किया है। फिर एट्थ के बाद हम अनसैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं अनसैम्पलिंग इन द सेंस की हम पहले आ, हमारी जो है इनपुट नेक्स्ट लेयर के लिए बढ़ती जा रही थी सो लेट से हमारे फर्स्ट लेयर uh, में हमारा वन चैनल था 64 आउटपुट थी फिर सेकंड लेयर में हमारे 64 इनपुट थी 128 आउटपुट थी फिर थर्ड में 128 इनपुट थी 256 आउटपुट थी ऐसे ऐसे करके फिर हमारा हम जब हम एट्थ लेयर पे आए तो हम यहाँ पे यहाँ से हमने जो है ट्रांसपोज uh, कन्वोल्यूशन करना शुरू कर दिया है अन करने के लिए सो so, यहाँ से हम uh, हमारी जो है इनपुट ज्यादा होगी और आउटपुट कम होती जाएगी यू विल सी यहाँ पे हमने 512 सौ बारह 256 टू फिफ्टी ठीक है उसके बाद जो है हमारा ये फाइनल आउटपुट लेयर विद्री वन थ्री चैनल फिर ये हमारी फाइनल आउटपुट लेयर है जब ये हमारा हो जाता है देन सिक्वेंसली स्टोर ईच ब्लॉक इन क्लास फॉर यूज इन फॉरवर्ड पास सो हमारा क्या हमारा एक फॉरवर्ड पास होता है एक बैकवर्ड पास का कॉन्सेप्ट होता है अगर ये भी नहीं पता है आप फिर से जाके फॉरवर्ड पास को देखिए और बैकवर्ड पास को देखिए कि होता क्या है फॉरवर्ड पास में आ, मैं जल्दी से बता देता हूँ फॉरवर्ड पास में बेसिकली हमारे वेट और बायसेज कैलकुलेट होते हैं और बैकवर्ड पास में हम वेट और बायसेज को दोबारा से अपडेट करते हैं सो दैट इन नेक्स्ट फॉरवर्ड पास अपडेटेड वैल्यूज के साथ वेट और बायसेज के अपडेटेड वैल्यू के साथ नया फॉरवर्ड पास हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे हमारा सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फॉर आउटपुट कलर प्रोबेबिलिटीज और उसके बाद कनोल्यूशन टू मैप थ्री हंड्रेड थ्री बिन्स बैक टू बैक टू चैनल टू ए बी आउटपुट उसके बाद जो है अनसैंपलिंग करी है हमने और हमने रेजोल्यूशन उसके बाद अनसैंपलिंग करने के बाद फिर यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पास हमने डिफाइन किया नॉर्मलाइज द इनपुट एल चैनल एंड पास थ्रू ईच ब्लॉक सिक्वेंशली एल चैनल मतलब कि आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला है ठीक है अप्लाई द गेट प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट मैक्स फंक्शन एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा मल्टीपल क्लासेस की हमारी तो डिफरेंट uh, कलर की प्रोबेबिलिटीज की uh, uh, हमें हमें जो प्रोबेबिलिटीज देगा कि आर कलर के लिए जेड के लिए सॉरी uh, जी के लिए बी के लिए एम सो एम सो फो तो so, हम जो हमारी आउटपुट आती है उसको हम यहाँ पे अनसैंपल एंड अनार्मलाइज द ए बी चैनल्स सो फिर हम उसको अनसैम्पल uh, और अननॉर्मलाइज कर देते हैं उससे हमारा क्या होता है कि हमारी अनसैम्पलिंग uh, और अननॉर्मलाइजेशन करने के बाद हमारी जो है कलराइज इमेज जनरेट हो जाती है फिर यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन कर रखा है यहाँ पे हम उसको इनिशलाइज करवाते हैं जो हमने अभी ऊपर जो सारे स्टेप्स किए हैं अगर हम प्री ट्रेंड मॉडल है तो हम इसका एक प्री ट्रेंड वर्जन भी क्लाउड में होस्टेड है हम डायरेक्ट उसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है एग्जैक्टली द सेम वे दिस इज फॉर सिक ग्राफ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ एग्जैक्टली द सेम वे है बस थोड़ा सा आर्किटेक्चरल डिफरेंस है और सिक ग्राफ और ई सी सी वी सिक्सटीन थोड़े से डिफरेंट है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट लेवल पे बिल्कुल रो रूट लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क uh, करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी सिमिलर सो अगर आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं और इससे रिलेट करने के लिए भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पे भी वही है फर्स्ट लेयर देन सेकंड कॉन्वल्यूशन ब्लैक सॉरी ब्लॉक एंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने बहुत सारे कॉन्वॉल्यूशन ब्लॉक फिर हमने अनसेंग डिफाइन कर रखी है उसके बाद अनसैम्पलिंग के बाद अनसैम्पलिंग करने के बाद जो हमने फिर उसको एज ए सिक्वेंशियल लेयर में उसको ब्लॉक्स को हमने बाइंड uh, किया है उसके बाद फॉरवर्ड पास एंड सो ऑन सो फोर्थ बाकी की सारी चीज़ें उसके बाद फिर अनसैम्पलिंग एंड फिर हमारा जो अगेन यहाँ पे हम उसको इनिसलाइज करवाते हैं और हम इसका भी हमारा जो एक प्री ट्रेंड वर्जन ऑफ दिस मॉडल इज ऑल्सो होस्टेड इन क्लाउड इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यूटिल यूटिल क्लास के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यूटिल क्लास में हमने बेसिक्स बेसिक से मेथड डिफाइन कर रखे हैं जैसे कि इमेज लोड करने वाला इमेज को रिसाइज़ करने वाला उसके बाद प्री प्रोसेस करने वाला इमेज को प्री प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि आप एक इमेज देते हो आर फॉर्मेट में और फिर वो इमेज को हम प्री प्रोसेस करके एक एरे की फॉर्म में ले आते हैं और मेट्रिक्स की फॉर्म में ले आते हैं फिर हम उस मेट्रिक्स को हम जो अपने मॉडल को देते हैं उसके बाद पोस्ट प्रोसेस टेंस इसको हम यूज करते हैं बेसिकली जब हमारी अनसैंपल्ड uh, इमेज आ जाती है बेसिकली हम कलराइज इमेज को वो करने के लिए वो करते हैं ठीक है उस पर इफेक्ट डालने के लिए वो करते हैं इसके बाद स्टैटिक फोल्डर में आ, कुछ नहीं है जो हमारी इमेज आउटपुट जो इमेज जो जनरेट होती हैं वो वाली होती हैं अब मैं आ जाता हूँ बैकएंड के ऊपर जिसको हमने फ्लास इस मॉडल को हमने फिर फ्लास सर्वर में आ, आ, बेसिकली फ्लास सर्वर में होस्ट कर रखा है उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर रहे हैं सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपका जो फ्लास को इनिशलाइज़ करवाया आपका फ्लास सर्वर लोड होता है यहाँ पर मैंने हम दोनों जो हमारे दोनों मॉडल्स हैं उनको इनिशलाइज करवाया या लोड किया आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे हमारा रूट डायरेक्टरी uh, का पाथ आई मीन जब हमारा यू आर एल हिट होगा रूट यू आर एल हिट होगा तो हम रेंडर uh, टेम्पलेट करेंगे इंडेक्स डोट एस टी एम एल को बेसिकली हमारा इंडेक्स डोट एस टी एम एल इज और होम पेज ठीक है उसके बाद कलराइज स्लैश कलर ये एक हमारा रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट है जिसको हमारे फ्रंट एंड कॉल करेगा और उसके थ्रू जो है हम यहाँ पे बाकी की चीज़ें प्रोसेस करते हैं सो हमारी ए रिक्वेस्ट के साथ एक इमेज आएगी उस इमेज को हम जो है टेम्परेली सेव कर लेते हैं अपने अपने इसमें सर्वर में एंड देन सर्वर में वो करने के बाद फिर हम वो जो मेथड्स मैंने अभी आपको दिखाए थे लोड इमेज वाला प्री प्रोसेस इमेज वाला वो हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद ये सब करने के बाद अगर हम हमारा जी है तो हम जी यूज कर लेते हैं अदरवाइज तो हम सी पी यूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हमने पोस्ट प्रोसेस टेंस कर रखा है ये हमें ये वही मेथड है जो मैंने अभी आपको दिखाया था यूटिल के अंदर है ये बेसिकली आपका क्या करेगा जो मॉडल आपको बेसिकली आउटपुट देगा उसको हम कलराइज करते हैं यहाँ पे ठीक है मॉडल आपको बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि मॉडल आपको आरजीबी चैनल की वैल्यू देगा एक आ, पूरी आपकी इमेज के लिए कि इस ब्लॉक में आरजीबी की ये वैल्यू है इस ब्लॉक में आरजीबी की वो वैल्यू है एंड देन फिर हम उसको उन्हीं वैल्यूज के साथ आरजीबी की वैल्यू वो सेट करते हैं और फिर हमारी इमेज जो है कलराइज हो जाती है उसके बाद जो है यहाँ पे फिर एपीआई को बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इमेज जनरेट हुई है कलराइज उनको हम सर्वर में कहीं सेव कर लेते हैं जो कि हम हमारे स्टैटिक फोल्डर में सेव करते हैं फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जेसन रेस्पॉन्स में उन इमेजेस का पात देते हैं यानी कि स्टैटिक फोल्डर का पात देते हैं कि वो इमेज कहाँ जनरेट हुई है और फिर हम उसको जेसन की फॉर्म में रिटर्न कर देते हैं ये हमारा बैक एंड हो गया उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बात करूँ टेम्पलेट्स में आपका जो फ्रंट एंड है फ्रंट एंड पे अगर हम जाते हैं फ्रंट एंड में भी आपका बहुत ही सिंपल कोड रखा मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये वाला कोड आई एम नॉट गोइंग टू कवर एस टी एम एल और सी एस एस वाला कोड आप यहाँ पे स्टाइल में आपका सी एस एस वाला कोड है यहाँ पे बाकी एस टी एम एल वाला कोड है ये आप देख सकते हैं अपने साइड से मैं जो जाओ स्क्रिप्ट के मेन फंक्शन है वो डिफाइन वो बता देता हूँ यहाँ पे हमने प्रीव्यू इमेज कर रखा है प्रीव्यू इमेज मतलब कि जैसे ही यूजर ब्राउज करके इमेज अपलोड करता है हम उसका एक प्रीव्यू दिखाते हैं यहाँ पे ये यह हमारा प्रिव्यू ठीक है उसके बाद जब हम आगे आते हैं सबमिट इमेज सबमिट इमेज हम जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली इमेज उठ के रेस्ट ए रिक्वेस्ट के साथ जाती है और हमारे इस स्लैश कलराइज एंड पॉइंट को कॉल हिट करती है और ये हिट करने के बाद हमारा बैकएंड के पास रिक्वेस्ट चला जाता है और फिर बैकएंड हमें अगर 200 का रिस्पॉन्स देता है तो हम रिजल्ट को डिस्प्ले कर देते हैं अगर कुछ और आता है तो हम एरर को डिस्प्ले करते हैं अब रिजल्ट डिस्प्ले वाला भी हमारा जो यहाँ पे नीचे फंक्शन डिफाइन कर रखा रिजल्ट डिस्प्ले में कुछ नहीं है कि जो हमारी जो जनरेट हुई है हम उनको जो है डिस्प्ले कर रहे हैं आ, बस और उसके अलावा और ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक है नहीं ठीक है उसके बाद यहाँ पे यह मेरा फ्रंट एंड वाली बात हो गई बेसिकली और यहाँ से अब मैं बाकी की चीजें कवर कर रहा हूँ एंड हमारा हो गया फ्रंट एंड हमारा हो गया रेडमी के अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपकी हाँ जो है बेसिकली सारी डिपेंडेंसीज डिफाइंड है कि जहाँ पे आ, हमने जो जो डिपेंडेंसीज को हमने यूज किया है उसके बाद अगर मैं एक क्विक वो इसका आ, टेस्टिंग भी करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं ये हमारा सर्वर का बेसी और जहाँ पे हमारा सर्वर रन हो रहा है और ये स्लैश कलराइज आपका जो रेसिपी है एंड पॉइंट है ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये एक post request है और इसकी body में हम एक इमेज नाम का पैरामीटर भेजते हैं जो कि एक इमेज का ऑब्जेक्ट लेके जाता है ठीक है तो लट से अगर मैं यहाँ से आ, आ, यहां से भी आप जो कोई भी एक इमेज दे सकते हैं यहाँ से अगर मैं आपको इमेज देता हूं तो इमेज देने के बाद जैसे ही आप यहाँ रिक्वेस्ट करोगे तो आपका होगा क्या कि ये API आपकी हिट होगी और बैकेंड में ये इमेज चली जाएगी और इमेज जाने के बाद यू सी जो है uh, logs generate होते हैं कुछ और फिर हमें जो जो इसके रिस्पेक्ट की colorized generate हुई है, उनका हमें ये पा देता है सो so, अगर मैं ये वाली इमेज भी अगर आपको दिखाऊं मैं अगर आपको ये वाली इमेज दिखाता हूँ सोलट से यहाँ पे हम आ जाते हैं so, say, हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये मेरे सर्वर का एक्चुअली पात है कि ये हमारी इमेज कहाँ पे जनरेट हुई है तो मैं अगर सर्वर पे आता हूँ और मैं इसको हिट करता हूँ तो यू विल सी तो आपने यहाँ पे भी ध्यान दिया होगा कि मैंने ये वुमेन वाली इमेज दी थी और उसी इमेज का कलराइज वर्जन रिस्पॉन्स में बेसिकली उस इमेज का हम रिस्पॉन्स में उस इमेज का पाथ भेजते हैं एज इमेज ऑब्जेक्ट नहीं भेजते फिर हम दैट वी लिव टू द फ्रंट एंड की आप हम उसको पाथ दे देते कि ये इमेज यहाँ पर पड़िए आप उसको रेंडर कर दीजिए तो हमारा फ्रंट एंड उस पाथ को कंस्ट्रक्ट करता है और इमेज को रेंडर कर देता है आपके यहाँ पे ठीक है एंड आई थिंक उसके बाद अलग से और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज अगर आप इस प्रोजेक्ट को अगेन किसी भी पर्पज़ के लिए आपको उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है या आप मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है पिंड कमेंट में भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर थैंक यू